बसमिल्लाहमानी हिकमत यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हकीम फैज़ली दिलशाद आपके सामने जड़ी बूटी असगंद नगोरी की माहियत, ख़वास, इस्तेमालात और फ़वायद के मुतालिक बात करूँगा तो जनाब ये देखें स्कंदन की तस्वीर ये स्कंदन है ये इस पे जो है ना मको के दाने के बराबर छोटे छोटे दाने लगते हैं इसमें इसके बीज होते हैं इसे हमारे इलाके में ना ये जो मीना होती है वो बड़े शौक शौक से खाते हैं जिसे हम लाली भी बोलते हैं मीना ये इसमें इसके छोटे छोटे बीज हैं ये इसके पत्ते हैं ये नगौर से जो आती है वो तो असगंध कहलाती है ये हमारे पाकिस्तान की है ये भी असगंध है तो ये इसकी जनाब तस्वीर है ये देख लें अब इसको पंजाबी में आक्सन, बोगनी बूटी सिंधी में भटगंध मराठी में आसनगंध, गुजराती में आँख, बंगाली में अशुगंधा और सराकी जबान में इसे लालड़ी बूटी भी कहते हैं और लातीनी में इसको वोस्म एफिर कहते हैं माहियत असगंद एक बूटी है जो कि आधा गह से एक गा तक बुलंद होती है इसके पत्ते बासा के पत्ते के मुशाबे होते हैं लेकिन इससे छोटे होते हैं इसका फल गोल और काकनाज के मुशाबे यानी काकनाज जो है जिसको हम पनीर कहते हैं कि मुशाबे इसका फल देख लें ये देखें फल है इसका ये नज़र आ रहा है ये देखें ये पनीर के मुशाबा एक बरीक पर्दा में महफूज होता है जो कि पुख्ता होकर जर्द हो जाता है जी देखें जी। ये नज़र आ रहा है जर्द जर्द सा और इसके अंदर से काक नच की मानद ब्रीक तुखम तो निकलते हैं इसकी जड़ ब्रीक और अंदर से सफेद और सफेदी मैल बजर्दी होती है इस्तेमाल जो है ना ज्यादातर इसकी जड़ मुश्तम है ताज़ा पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं मकाम पैदश पाकिस्तान में हर मकाम पा मकाम पर कमो बेश पैदा होती है सुबह पंजाब में बाकसरत देखी जाती है खसूस देहातों खदकों और कब्रिस्तानों में उगती है मिजाज के अतबार से तीसरे दर्जे में गर्म खुश हमरा तूबत फजलिया अफाल मुबही वकवे जिसम होने की वजह से तकवीत बह के लिए मुशतमिल हैदमी होने के सबब जरियान और रिकत मनी में इस्तेमाल की जाती है मको मुनका रहम होने की सबब वज़ हमल के बाद इस्तेमाल कराया जाता है महल होने की वजह से दिलान इस्तेमाल से और आम को तहलील करता है मुफ़ासल में दाखिलन व खारजन इस्तेमाल किया जाता है और सुरंजान की का कैम मकाम ख्याल किया जाता है मुफ़ासल और दीगर किस्म के वर्मों पर ताज़ा जो पत्ते हैं नीम गर्म करके बांधे जाते हैं जो वर्म तहलील करने के लिए मुफीद हैं मसलब होने की वजह से शलाबत जकर से तलाओं में डाला जाता है ढलके व पिस्तानों के लिए औरत के दूध में पीस कर तला किया जाता है नफ़ा ख़ास मुकव्य बहा और बरुदत असाब की वजह से जो जरियान होता है उसमें मुफीद है मसला यानी कि असलाह के तौर पर गोंदक बदल इसका बहमन सफ़ैद है बिकतार खुराक तीन माशा से पाँच माशा तक मजीद तहकीक से पता चला है कि कमयावी तजिया से पता चलता है कि असगन से हसम जैल अज़ा दरिया हुए रोगन कलमदार अल्कोहल, शहम एक सौ मनफरीन नाम का जौहर फाल पाया जाता है